तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, जिस जगह पर आज हम आए हैं, पिछली बार बोला था मैंने मालचा महल ले जाऊंगा, लेकिन मालचा महल तो आ नहीं पाया। तो गाइस, ये संजय वन है, जो संजय वन से आज हम संजय वन आए हैं। ये काफ़ी वॉन्टेड प्लेस माना जाता है गाइस। तो दिखाते हैं इसको थोड़ा बहुत। कोई आइडिया नहीं आ रहा गाइस, मतलब इधर एक झील है और एक बहुत वाच टावर बताया जाता है इधर, बहुत वॉन्टेड स्टोरी है कुछ, मतलब यहाँ पर दिखता है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आगे क्या चेतावनी दी गई है यहाँ से। भाई झील वाला रास्ता देखो, ये जहाँ से झील को जाते हैं, ये है ना। एरिया दिखा पहले, मैप नोट कर ले भाई एक बार। तो गाइस, ये है संजय वन का जो मैप है, ये है। तो गाइस, एक रास्ता जाता है इधर क्लॉक टावर को और एक रास्ता जाता है झील को। तो अभी हम इस रास्ते पर जाएंगे, एक बार रास्ता दिखा दो। ये रास्ता गाइस, एक बार ध्यान रख लेना, ये जो रास्ता जाता है, ये जाता है क्लॉक टावर को और ये जाता है, मतलब इधर बहुत सारे जंगली जानवर, हॉन्टेड जगह बताई जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह बताई जाती है। इसके बारे में आपको अभी थोड़ा आगे डिटेल्स में बताऊँगा। चलिए पहले रास्ता ही बताऊँ, आपको कट कर दें। आगे देख सकते हैं, ये पानी बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है, बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है गाइस। ड्रावनी जगह भी है, देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ जंगल है और कुछ नहीं है गाइस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही। इस तरह से पेड़ हैं, पत्ते देख सकते हैं ऊपर, कैसी हवाएं चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है गाइस। ये पानी कहाँ से झील शुरू हो गई है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है, ये पता नहीं है। झील झील आई है, गाइस देख ही सकते हैं आप, इतना जो पानी है, ये झील का ही होगा शायद। सारा पानी झील का है, ये झील वन की खासियत है यहाँ पर। एक और दिल्ली में सबसे बड़ा जो पार्क है वो झील पार्क यही है। झील पार्क नहीं, संजय वन मतलब पार्क है ये, लेकिन पार्क नहीं, इसको जंगल में घोषित कर दीजिए। यहाँ पर आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ है कुछ जानवरों का, जो कि बहुत डरावने जानवर है, मतलब सांप है भाई। मैंने वाले सांप को ना दिल्ली में पाए जाने वाले सांप है, जिनसे हमको बच के रहना पड़ेगा, यहाँ पर खतरा है। इस तरह से सांप होते हैं ब्लैक, थोड़ा फोकस कर लेना बस। सांप इस तरह के सांप है ना, यहाँ पे सांपों को सुनाई कम देता है, बीन के धुन पर ही नाचता है दूध। सांपों को खास नागमणि केवल एक तथ्य है, सांप कभी बदला नहीं, बदला पीछा नहीं करता है। हरा सांप कभी आंखों का वार नहीं करता, अधिकतर सांप चूहा खाते हैं। गाइस, ये रहा इसमें कुछ नोटिफिकेशन दे, दिल्ली में पाए जाने वाले सांप जो दिल्ली में इस जंगल में पाए जाते हैं, मतलब एक ऐसी जगह भी है जिसमें जो दिखाई जाते हैं। थोड़ा झीलक दिखाई, तो एक झील है ये। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत बताया जाता है जैसे इस स्टोरी में कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड टाइप का, मतलब भूत नज़र आता है लोगों को। अब देख ही सकते हैं कितना सूखा नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, है तो नहीं वहाँ पे। हमारे गाइस हालत खराब हो गई है घर में, अब देख लो कहाँ जाना, कहाँ गया भाई, घर को इधर को कोई पता नहीं है, आएंगे कैसे यहाँ से, कोई बात नहीं।
कोई जो झील है आ गया झील झील आ गया है ना। तो गाइस जैसा पता है कि बड़े मुश्किल से यहाँ पर हमको एक मिला था, मतलब जो भी है घूमने आए होंगे अभी तो उनसे पूछा हमने, पता किया तो बोले थे थोड़ा झील आ गया है, झील आ गया है। और ये देखिए काफ़ी डरावना लुक है, यहीं पर माना जाता है कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पर है वो दिखाई जाती हैं। तो रहता होगा शायद दूसरा अभी आवाज़ मान लोगे, आवाज़ मान लो, पूछ ले ना भाई कर। तो ये है दिल्ली का सबसे बड़ा जंगल, जंगल बोले तो पार्क भी नहीं है, पार्क का टाइप से आप बोल नहीं सकते हैं, जंगल के अंदर पार्क बना हुआ है इसे, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर एक स्टोरी है, सुना जाता है कि रात को मतलब 6-7 बजे बाद जो आवाज़ें आती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई रो रहा हो, और कई बार तो लोगों ने यहाँ एक सफ़ेद मतलब बोलते हैं सफ़ेद कपड़ों में कोई, अब मानने ना मानने वाले तो वो आपको विश्वास है, लेकिन अंधविश्वास जैसे होता है वो भी है यहाँ पर। रात को रात के टाइम में यहाँ पर 6 बजे बाद अलाउ नहीं है इस अंदर को आना। और क्या बताऊँ उसके बारे में, आगे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत जो भी है इस तरह से, मतलब आज का दिन तो हम सर्वाइव कर ही रहे हैं इसमें, हम पानी की बोतल भी नहीं लेके आए इतने बड़े जंगल में जा रहे हैं, ना खाने के लिए है ना पीने के लिए, पता नहीं कब यहाँ से बाहर निकलेंगे भी कोई पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। हील वाला रास्ता ही तो माउंटेन हिल्स हुआ, ये माउंटेन हिल नहीं, यहाँ को नहीं, यहाँ बाद में आएंगे, यहाँ को माउंटेन हिल है, मोर हिल्स है, वॉच टावर है ये, मोर हिल्स है गाइस, मोर हिल्स। यहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक के लिए आते हैं, टॉप में इंसान से देख हाँ यहाँ मोर हिल्स है ना, यहाँ पर आते हैं देखो मयूर पहाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर, मयूर पहाड़ी ये आते समय दिखाएंगे हम आपको। अरे ऐसा धूप भी है तो इस मौसम में मज़ा आ रहा है इसमें घूमने में, लेकिन जितना मज़ा आ रहा है उतना डरावना भी है इसे। गाइस तो कुछ ये हैं पेड़ वगैरह कुछ, जो हम जो नाम है ये रहे, इलायची की कर, बांस, चूड़ल, पापड़ी, काजू, सीरीज पापड़ी, आमतरस, नीम, इस तरह के अंदर पेड़ हैं इसके, है तत्ता, ढाक, प्लास, देसी की कर, बेर वगैरह बहुत सारे। गाइस अभी तो हमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं जिनसे हम थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं रास्ता, इसी रास्ते में अगर आप कभी भी आओ तो इसी रास्ते में होके जाना, इसी रास्ते में तो देख लीजिए हमारा रास्ता, इसी रास्ते से जाना आपको, अंदर ऐसे ही रास्ते में मत जाना, इसके अंदर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप रास्ता भी खोल सकते हो। गाइस इतना बड़ा है कि इसका जमीन बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, हम भी पहली टाइम आए हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर आने का।
लेकिन रात के समय बहुत ज़्यादा डरावना है क्योंकि 6 बजे बाद यहाँ पर एंट्री नहीं है यहाँ पर CCTV। गाँव से मतलब इधर के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि 6 बजे बाद यहाँ पर मतलब आत्माओं का बसेरा हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं चोर वगैरह होते हैं, मवाली वगैरह होते हैं, जो भी है तो उनका यहाँ पर अड्डा हो जाता है। इसी रास्ते से जाना है आपको, इसी रास्ते से आगे पीछे जंगलों में घूमना नहीं है गाइस। और आपको एक चीज़ यहाँ पर जरूर सजेस्ट करूँगा, कभी अब अकेले मत आइएगा यहाँ पे। यहाँ हो सकता है मतलब ग्रुप में आइए, जो भी आएगा ग्रुप में आते हैं, अकेले आने की ज़रूरत नहीं है गाइस यहाँ पे, क्योंकि आप अकेले खो भी सकते हैं, अगर खो गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। पता नहीं कैसे रास्ते हैं यहाँ से, आपको मतलब रास्ता याद करके भी चलना पड़ेगा, अगर भूल गए तो देख ही सकते हैं, ऐसे ऐसे जंगल में कहाँ खो जाएंगे पता नहीं चले। भैया वो जो झील है किधर किधर वो पड़ेगी, सॉरी झील झील कौन सी झील, जो झील है यहाँ पे यार, झील लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ना। ओके गाइस देख ही सकते हैं यहाँ पर लोग सुबह सुबह मतलब अपनी फिजिक फिटनेस को सही करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऐसा एरिया है यहाँ पर आप दौड़ लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं सुबह सुबह, मतलब भर्ती वर्ती की तैयारी और भी अपनी फिजिक से भी सही रखने के लिए भी होते हैं। कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, हो सकता है सांप कोई चिड़िया वगैरह जो भी है, मतलब दिल्ली के अंदर ये आप देख सकते हैं पुल, ये रहा आज का पुल। अभी जैसे हमने भैया से पूछा तो भैया बता रहे थे कि लेफ्ट साइड को झील है ये साइड, ये देखो वाह अमेजिंग, ये लग रहा है ना वॉलपेपर जैसा झील। यहाँ पर लिखा कुछ दिल्ली पर्यावरण के बिना बेकार, सब बेकार, पर्यावरण के रक्षा के लिए सजा रहे तैयार। गाइस ये पर्यावरण का पाठ हमने बहुत पढ़ा था, नंबर से एग्जिट नंबर 01 नीचे को झील लिखाई है भाई, पहले हमारे मजा आना चाहिए साहब आप है सकनी भाई यार है ना साहब आप होता है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा साँप होते हैं, झील है यार, एक खतरनाक झील थी भाई यहाँ पर, मतलब क्या बोलते हैं हम बतख वतख होते हैं यार, कुछ तो जो झील झील है वो आगे है क्या, आगे है ना ठीक। गाइस आपको ऐसा ही पता करते हुए जाना है यहाँ पर, अगर मान लो कोई ना हो तो अपनी मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, यहाँ पर भटक सकते हैं रास्ता, पता नहीं इतने रास्ते हैं इसके, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं गाइस। हम भी पहली बार आए हैं, मेरे साथ तो है अपना भाई, उसको मैं कैमरा में बोलता हूँ आया होगा यहाँ पर। कुछ लोग हमको अब जाके यहाँ पर दिखेंगे, बहुत बड़ा रास्ता है। अभी हम आए हैं एग्जिट, हम निकले थे वहाँ से रूम से 12 बजे और यहाँ पर पहुँचे हैं पूरे 1 घंटे में, 1 घंटा यहाँ पर आने में लगता है पूरा, और अंदर घूमने के लिए तो आपका पूरा दिन कम पड़ जाएगा, पर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। हम ही तो इस रास्ते रास्ते जा रहे हैं, जो भी होगा वो दिखाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम भी। देख ही सकते हैं अभी हम झील तक पहुँचे भी नहीं हैं, पहले ही इतने रास्ते हैं इसके, हमें खुद ही भटक गए, जाना किधर को है। एक बार हम नीचे तक देखते आते हैं क्या पता कहीं कुछ नहीं जाए, आए हैं तो अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। कुछ ग्राउंड है यार, ग्राउंड है भाई, झील 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 बताते आए शहर से, जंगल के साइड नहीं जाना, झील आ गई है। अच्छा एक खेलने के लायक
क्या बोल सकते हैं, ये जो अंदर है पार्क बैठने के लिए बनाया गया है शायद। अभी हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम घूमने के लिए आए हैं, ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं, तो बैठने नहीं आया था हम। कुछ ना भाई पूरी भैया झील की साइड को है, इस साइड को जाना पड़ेगा इसके। चल 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 भाई साहब, हम शॉप पर आ गए यार, ये साइड झील का रास्ता बताया है। भैया झील की साइड को क्या चीज़? झील झील शायद सोच सही इधर को है ना भाई, देखिए यहाँ पे इतने रास्ते हैं, पता भी नहीं चल रहा कि किधर को जाना है किधर को नहीं जाना है। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? पागल हो गए गाइस, इधर इधर इतने रास्ते हैं कि आप आएंगे कैसे ये सोच रहे हैं भाई। एक वीडियो बना के लानी थी ना, उसमें पता लगाना था कि कहाँ कौन से रास्ते आए हुए हैं। देख ले भाई, याद कर ले, नॉलेज कर ले, कोई बात ना भाई, हो जाएंगे। चलो आगे जाके देखते हैं कि कहाँ पर झील है, कहाँ पर क्या है, कौन से रास्ते आए हैं, कौन से रास्ते हैं, हमको कुछ पता नहीं है, हम सब भूल गए हैं। इतने रास्ते हैं, देख के कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा। हमने सोचा था कि जो रास्ता है उसी रास्ता रास्ते में जाते रहेंगे। कितना बड़ा वन है गाइस, अभी एक माउंटेन हिल है, वो भी है कहाँ पर पता नहीं है, अभी हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। अब इतने रास्ते देख के बंदा कंफ्यूज हो ही जाएगा। हम उस झील की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा आया था उसका। थोड़ा और महसूस होने लग गया अभी बहुत ज़्यादा, थोड़ा और महसूस होने लग गया भाई, पत्ते हिल रहे हैं। बोले भाई यहाँ पर कोई बंदे दिखाई नहीं दे रहे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। गाइस अब जो हो रहा है, डर की फीलिंग अब आ रही है इधर से, अंदर से, इधर दिल से आ रही है गाइस। चलो देखो, किसी बाइक की चाबी छूट गई इधर, ठीक है दे देंगे, कोई मिलेगा तो रास्ते में। गाइस वो बंदा बहुत प्रॉब्लम में होगा, फेंक दे यार, मतलब ढूंढते ढूंढते हाल देखो भाई। कोई बात ना, फिर देखिए गाइस, जो आपको कैलेंडरों में दिखाया जाता था ना कि नेचर जो भी बोलते हैं, नेचुरल जो भी बोलते हैं उसको, ये इस टाइप के कुछ वहाँ पे आपने कभी वहाँ देखा होगा कि वॉलपेपर में लगे रहते हैं ये। यहाँ पर हर तरह का पेड़, हर तरफ क्या बताऊँ क्या दिखाई देता है इधर, वैसी फट रही है एग्जिट गेट तो नहीं है आए थे हम यहाँ से, जाना किधर का है पता नहीं मैं, तो नहीं आ गया यार जंगल में।
थोड़ी देर बाद सर्च करके आपको बताते हैं। अगर हम झील से पहुंच जाएंगे तो आपको जरूर झील का व्यू दिखाएंगे। स्टॉप कर दो। तो गाइस जैसा कि हम यहाँ पर रास्ता भूल चुके हैं, कहाँ को जाना है हमको खुद ही पता नहीं है। जो भाई है आगे ये गूगल मैप खोल रहा है, लेकिन गूगल मैप में भी इसका कोई पता नहीं रहता है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर कभी भी आओगे तो अकेले मत आना गाइस, यहाँ पर खो जाओगे, खोने का डर बहुत ज़्यादा है गाइस। यहाँ पर पता नहीं, इतने रास्ते हैं हम खुद कंफ्यूज हो गए। हम करीब 1 किलोमीटर चल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक हमको यहाँ पर जो झील पार्क है वो नज़र नहीं आई। बोलते हैं ना जो झील है यहाँ पर वो नज़र नहीं आई है। जैसे ही अपडेट हो, जैसे ही झील दिखेगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। टॉमी आ गया, इतना प्यारा टॉमी है गाइस, ये भी हमारे साथ आने को तैयार है। अंकल जब बहुत अच्छा कर रहा है उसको, ये फाइनली हमने अंकल जी से पूछा तो अंकल जी ने बताया था हमको कि झील का जाने का रास्ता उधर को आगे से है। ये गाइस ये है आपका टावर है, जहाँ से आप ऊपर जाके फोटो शूट यहाँ पर करेंगे। लेकिन हमको मेन जो वो है टारगेट जाना है, टारगेट जहाँ पर झील है वो बताई गई है, वहाँ पर जाना है हमने। तो इस तरह से गेयर है, बंद नहीं है, मतलब इस तरह से जा सकते हैं। पता चला है यहाँ पर आके कि हाँ, दिल्ली में अगर आपको कहीं घूमना है तो संजय वन वो एरिया है। लेकिन मैं सजेस्ट आपको दोबारा कह रहा हूँ, पिछली बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अकेला ना घूमें। वो देखने पे है अच्छी पहाड़, ये इसके अंदर को आप एक मिनट चल के दिखाऊंगा, ऊपर ऊपर से आपको उसका नज़ारा जरूर दिखाऊंगा। यहीं से तुमको बता रहे अंकल कि नीचे को जाओ तो झील है, आपको बता रहे टावर से नीचे बोले तो टावर में चल पाए। पहले टावर में चल के दिखाता हूँ भाई, ये बहुत बड़ा टावर है, यहाँ पर फोटो शूट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे माउंटेन झील की। हाँ बेटा, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार दिख रहा है गाइस वहाँ पे। कुछ नजर नहीं आएगा, ओनली जंगल है यहाँ पे, सिर्फ जंगल है। लेकिन इसके अंदर के जो नज़ारा है ना, प्राकृतिक कहीं झील है, शायद नहीं हमारे पास, हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पे। दिख रहा होगा आपको कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिख रहा होगा। कहीं से एक दिन कुतुब मीनार भी चलेंगे, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। अभी आधी दिल्ली तो आपको यहीं से दिख जाएगी, देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने बड़े बड़े टावर। बोले तो सारा जीवन सारा जंगल से भरा हुआ है, ये पता नहीं है अभी। जाने के बाद आपको मैंने जो थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाया था, बहुत ही मतलब यहाँ पर का सबसे रोमांचक माहौल जो है, यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आके पिकनिक पिकनिक मनाते हैं, वो एरिया है वहाँ पे। अभी कुछ लोग वहाँ पर पिकनिक वगैरह मना रहे थे तो हम वहाँ से कट लिए थे। हमारा क्या काम था, हम तो दोस्त लौंडे हैं और कोई काम नहीं, हमारा काम था घूमना और ब्लॉग बनाना। झील के लिए हमने कई 36 बंदु से पूछ लिया, कोई बोलते इधर को जाओ, कोई बोलते इधर। अनिल अंकल जी से हमने दोबारा पूछा कि कोई झील में जाने का रास्ता है, तो उन्होंने बताया कि आगे से जाना, इधर से आगे कहीं राइट को कट है, राइट को मुड़ के फिर राइट को जाना, वहाँ पर झील मिल जाएगी आपको। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। कितना बड़ा जंगल है गाइस, मतलब हमको 2 किलोमीटर पैदल चलते हो गए, हमने पानी की बोतल नहीं खरीदी, मतलब प्यास से गला सूख रहा है। अब वही आप आ ही गए हैं, स्ट्रगल कर ही लिया है, तो थोड़ा बहुत जो ब्लॉग बना के आपको दिखा रहा हूँ वो देख के, मतलब वही निकलेंगे करीब 3-4 घंटा घूमने के बाद ही यहाँ से बाहर निकल सकता है बंदा। वैसे तो मतलब ही नहीं कि यहाँ से बाहर निकल जाए,
एग्जिट गेट भी पता नहीं किधर किधर है, किधर किधर से हम आए हैं। हमको निकलना है करीब 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर निकलना है, क्योंकि 6 बजे से यहाँ पर मतलब अंधेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। देख ही सकते हैं जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है आसपास, मतलब इस तरह से लोग घूम नहीं रहे हैं। दूर दूर जाके मतलब 1 किलोमीटर जाके 500 मीटर की दूरी में जाके लोग मिल रहे हैं। उनसे पूछना पड़ रहा है भाई कहाँ को रास्ता है, किधर को क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैप नहीं होता है इसका, कोई गूगल मैप नहीं है जो डला हुआ है। आपको अनुमान के साथ जाना है और मतलब लोगों से पूछ पूछ के जाएँ कि कहाँ को पड़ेगा। आप पहली बार आए होंगे तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से मतलब कोई गलती ना करें कि आप लोगों का कहना था जंगल के अंदर जाए, जंगल के अंदर नहीं जाने का है। जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें भी हो सकती हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जंगली जानवर तो हुआ नहीं है, वो पालतू जानवर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुत्ते यहाँ पर होते रहते हैं। चलो देखते हैं अभी आगे कहाँ से कुछ मिलेगा। छोटे हेलो छोटू, झील कहाँ पे है भाई? तो पता है झील का नहीं। पापा, पापा, अंकल छोड़ दे छोड़ दे, चल चल सोए। हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम एक बार खुद ही राउंड लगा के आते हैं। यहाँ पूछ लो सामने में आ जाना, अंकल वहाँ पूछ लेते हैं। आ झील के लिए कौन सा रास्ता है झील के लिए? हाँ चल चल, मतलब यहाँ से नीचे को ना, हाँ पर वाला वो तो अंकल बोल रहे थे यहाँ से आना राइट को ना, राइट से नीचे को चले जाना। हाँ हाँ, यहाँ पर मतलब वो बतख वगैरह हैं। हाँ नीचे नीचे ये इस रास्ते से, मतलब यहाँ से नीचे को ना ऊपर को जाना है। हाँ ऊपर को, हाँ जहाँ पर मतलब वो टावर है, हाँ टावर से नीचे को गया है, लेफ्ट में जो नीचे को है जंगल का। और इधर इधर को क्या है, इधर इधर से कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बात देख क्या रहे क्या है, ओहो अच्छा फंस गया। गाइस देख ही सकते हैं अभी कितने रास्ते हैं इसके, कुछ पता नहीं है अभी। छोटा मोटा हाँ मैं अलाउ नहीं है, तो बंद कर रही है। देखिए सीधा रास्ता पे जाना, अगला जो टी पॉइंट आएगा उनमें लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट होगा। गाइस अब यहाँ पर हम रिस्क लेके एक बार जंगल की ओर जा रहे हैं, कि बताया जा रहा है लेफ्ट बोला था उसने, लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट हाँ बोले तो लेफ्ट ही है। एक बार देख लेते हैं जंगल के अंदर जा रहे हैं, मतलब डर भी लग रहा है आँख में, कैसा जंगल है यार ये, छोड़ देना भाई चल आ जा। जंगल का रास्ता है, कैमरा मैन भी डर रहा है, मतलब रास्ता तो बनाया गया है इधर, लेकिन थोड़ा अंदर जाके देख लेते हैं आ रहा है। मना किया था जंगल जाने के लिए, फिर हम जा रहे हैं, कहीं दिख नहीं रही है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका। नहीं जा रहा है, उसको जा रहा है। हाँ तो उसने यही रास्ता बताया था यार, याद आया था को कुछ, उसने बोला था टावर से नीचे को जाना तो यही रास्ता है। तो वापस हुए हैं भाई, तो वहीं 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 कुछ हमको पता लग गया है, झील का अनुमान हो गया है कि यहाँ पर झील है। जो मेन रीजन थी जो मैं यहाँ पर आया था आपको दिखाने के लिए, वो झील उसकी शायद थोड़ा पता चल गया था, उसने बता दिया था कि शायद लेफ्ट हो गया, बोल रहा था लेफ्ट हो गया, ये तो रास्ता होगा नहीं, तो बहुत जंगल है। और ये झील को देखने के बाद हम आपको एक बार पिकॉक हिल्स भी ले जाएंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, बने रहिए, स्किप मत करना वीडियो को पूरा। संजय वन घुमा रहा हूँ आपको पैदल चल के, बिना खाए बिना पिए पूरा, मतलब 4 घंटे का स्ट्रगल करने के बाद आपको संजय वन दिखा रहा हूँ। अगर दिल्ली में जो आपको लगता है कि दिल्ली से हम बोर हो चुके हैं, दिल्ली में कुछ है नहीं ऐसा घूमने के लिए, तो एक बार संजय वन आ जाइए, कट पूरा दिन लग जाएगा। अरे सर तो गाइस देख ही सकते हैं अभी जिस झील को ढूंढने हैं, 2 किलोमीटर से वो हमारे जब हम एंटर कर रहे हैं सामने, यहाँ पर झील वो
और ये झील है। बता दूं कि अगर आप कभी भी आओगे तो एंट्री यहाँ से एंट्री होती है उस साइड से, हमें लेफ्ट से टर्न मारने के बाद आपको ये पार्क दिखाई देगा। इस पार्क के पार्क के मतलब हेड में है जो इस टाइप की जाली टाइप की बनी है, लेफ्ट साइड जाली टाइप बनी है, लेफ्ट साइड में जो जाली टाइप की बनी है वहाँ पर है ये झील, मतलब पार्क जो मतलब क्या बोलते हैं झील है वो ये रही। तो हमने कई लोगों से पूछा झील कहाँ पर है, झील कहाँ पर है, मतलब जाली यहाँ पर आगे लगे रहे पूरा एरिया घुमा चलाते हैं आपको। छूट गए तो क्या ही दिखाई होती है। अब फिलहाल हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं, तो झील दिख रही मेन टावर जो मेरे को दिखाना था ये दिखाने थी कि इस तरह से हमें झील है ये रही। आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाया होता था कि अरे कुछ दिख रहा है शायद कबूतर है क्या बतख है, तो देखिए तो बतख भी दिख रहे हैं कुछ शायद, इतने दूर का कैमरा हमारा फोकस ना कर पाए लेकिन वो उस साइड कुछ बतख भी हैं। वो बतख रहा आगे सामने एक चोया हुआ है बाहर, घर वाली फीलिंग दे रहा है। कैमरा मैन हमारा बहुत खुश हो गया इस नज़ारे को देख के, मतलब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जो गई हमको नज़र आया कि हम झील को ढूंढ रहे हैं, झील हमको ढूंढ रही है, सामने 2 मिनट का रास्ता ही था यहाँ पे झील के लिए। ये देखिए गाइस अब दिखाएंगे आपको बतख उस साइड, कैसा व्यू है यार। दिल्ली में जो अभी तक मैं जितने एरिया में घुमा हूँ लेकिन सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा है यहाँ पे। आप जिमके समय यहाँ पर आइए 2-4 दोस्तों के साथ, कपल्स के साथ जो भी आना है आप यहाँ पर आइए, लेकिन भाई साहब बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा एरिया दिल्ली में घूमने का। इससे अच्छा एरिया आपको कहीं नहीं मिल सकता है, आगे थोड़ा दूर है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अकेले मत आइएगा, आइएगा तो फ्रेंड के साथ जरूर आएगा। सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, किसी का सजेस्ट कर दें मैं वो पूरी जगह दिखा रहा हूँ। बंद करो प्लीज़ फोटो करो। देख सकते हैं कुछ बताते हैं वगैरह दिख रहे हैं आपको, थोड़ा रिस्क है तो देख ही सकते हैं गाइस, पूरा संजय वन है दिल्ली का, बतख वगैरह जो भी है। तो हमने आपको जो झील दिखाई वो ये रही झील, अब इसको लग गई पानी की प्यास गाइस, इसको पानी की प्यास लगी, हम पानी की बोतल लेके आप यहाँ आए नहीं हुए थे तो भाई पानी की प्यास लगी तो लगी तो थी भाई यार पर हम 3 किलोमीटर घूमते घूमते ना पानी से ऐसी हालत ख़राब थी, पर जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो तो हमको मिली नहीं, 3 किलोमीटर घूमने के बाद जो हमें मिली पर पानी की प्यास गई है। देख रहे हो भाई का रिएक्शन पानी की प्यास भी नहीं लग रही अब तो 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। भाई ये कैमरा मैन है, कैमरा मैन मत समझना इसको, कैमरा मैन नहीं है ये,
अपना ही भाई है, उसको मैं कैसे कैमरा मैन बुलाता हूँ। चलो मिलते हैं आपको माउंटेन हिल्स पर। तो जब पानी पीने के लिए हम आए हुए हैं, सिर्फ एक ही एरिया है पानी पीने का, ये देख रहे हैं आप गेट नंबर टी पॉइंट तो वन वन से हम पानी पीने का ये है रास्ता। हमारे कैमरामैन को भी प्यास लगी थी भाई पी ले। कैसे देखो कैमरामैन, इसको पानी की प्यास लगी हुई थी, आप जाके पानी भाई दबा के पे पानी छोड़ो मत पी जा लो ना गाइस, ये मैप है। कुछ भी नहीं है भाई, कैसा लग रहा है पानी? बिल्कुल यार मजा आ गया भाई। मजा आ गया भाई। और ये देख सकते हैं इसका वन मैप। हेलो, कुछ मैप को समझ में आएगा तो बता देना किस टाइप का मैप है। एक मिनट भाई, इस टाइप के पॉइंट होंगे कुछ यहाँ पर, टी पॉइंट वन रॉक हंट, इस टाइप के पॉइंट में चलना पड़ता है यहाँ पर। ये एग्जिट नंबर गेट, यहाँ से एग्जिट है शायद, एग्जिट नंबर गेट जो है वो इधर से होगा है? तो गए समय अभी वही एग्जिट गेट पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम पहले आए थे, मतलब झील बारा के लिए हम इसी रास्ते में गए हुए थे पहले से। एग्जिट नंबर टू गोरखनाथ मंदिर में, मतलब इसी साइड से हम गए थे उधर को, जहाँ पे झील थी वहाँ पे, उसके लिए हमने इतना स्ट्रगल किया, कम से कम 2-3 किलोमीटर चले थे। अभी आगे पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे हमको खुद पता नहीं है, लेकिन एक रास्ता इधर को जा रहा है, रास्ता दिखाना भाई एक बार, एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता नीचे को जा रहा है जहाँ से हम पहले आए हुए थे। तो अभी देखते हैं किस साइड को जाते हैं, जिस साइड पर जाएंगे हम उसको आपको ब्लॉग दिखाएंगे, मतलब ब्लॉग के साथ बने रहना, स्किप मत करना, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है इसका। संजय वन पूरी तरह से घुमा रहा हूँ यहाँ पर, 3 किलोमीटर पार करने के बाद पूरा घुमा रहा हूँ। तो गाइस एक झील और है जो आप आए हैं, छोटी मोटी झील है, मतलब थोड़ी देर आगे एक शाह पे आप आए हैं, इस झील में चेतावनी पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो झील हम यहीं से देख लेते हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ जंगली जानवर भी हों, मतलब पूरा पानी का एरिया है गाइस, पूरा पानी का एरिया देख ही सक रहे हैं आप, पाँव फिसल रहे हैं, इसके अंदर जाने की कोशिश में बहुत गहरा पानी है इसके अंदर, देख ही सकते हैं ये पूरा संजयवन का एरिया है पूरा, बहुत ज़्यादा है। इधर को भी है, इधर को आगे जंगल है, इधर को हम जाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर जंगल है, इसके ऊपर को भी जंगल है। और आपको गेट पर चेतावनी दिखा देता हूँ, जो गेट पर चेतावनी दी गई है, इसको एक बार ध्यान में देख लेते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धान के पेड़ हो गए, धान के पेड़ रिएक्शन पर भाई था। मिलते हुए लाइक झील का, झील में पानी गहरा है कृपया अंदर ना जाएं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब झील का अंदर पानी कितना भी गहरा हो सकता है कोई आइडिया नहीं है हमको, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। चलो देखते हैं कोई दूसरी तीसरी, मतलब यहाँ पर बताया गया कि 2-3 झीलें हैं, 2 झील तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर हो सकता है कोई आगे और दूसरी तीसरी झील मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अरावली पहाड़, मेहू झील से नहीं जा रहे हैं, पहले अरावली मतलब जो जिसको मिनी अरावली बोलते हैं दिल्ली में, अरावली से मिलता जुलता जो हिस्सा है तो वो यहाँ पे है, मतलब क्या बोल रहा था, कोई किला बोल रहा था, तो यहाँ पे है, देखते हैं वो किला कहाँ पे मिलेगा हमको। रास्ता फिर शहर पर जाने का, 2 रास्ते हैं, किस साइड से होगा यार कोई पता नहीं है, इस साइड लगने वाला है, ये साइड लगने वाला, ये भाई इधर से देख ले, हो सकता है ऊपर कुछ और हो, इस रास्ते में देख लेते हैं हम गाइस, पता चल गया तो सही, यहाँ पर क्या है भाई भाई भाई, यही एरिया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको मंजिल में पहुँचनी होगी तो पहले 2 रास्ते तय करने पड़ेंगे, लेफ्ट राइट, अगर सही निशाना लग गया तो पहुँच जाओगे, नहीं तो वही 2-3 किलोमीटर हम घूम के, हमारे से किला शायद ऊपर दिखा रहे हैं, मयूर हिल्स जो बात कर रहा था ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी शायद देखो कुछ लोग हैं। अब हम इस रास्ते में आ गए, हमारा रास्ता हमेशा गलत ही रहता है, हमारे रास्ते पर मत जाइएगा, ये तो सही रास्ते का सही रास्ता चुनिएगा फिर ही चलिएगा। बहुत थक चुके हैं पैदल चलते चलते, क्या ही बताएं, अरावली की पहाड़ी में चले, अरावली कपल से एरिया लग रहा है, हाँ वन वाला
चलो देखते हैं कुछ भी मिले बताते हैं। अभी पता नहीं कौन सा रास्ता हम निकल रहे हैं, कौन सा रास्ता है पता नहीं है, हमें कहाँ जाना है पता नहीं है। ये देखो रास्ता पूरा चल रहा है, जंगली जानवर तो नहीं है, गाय वगैरह है। हाँ तो यहाँ यहाँ बैठा आ जा, आ हाँ ना मलिक चढ़ जाना। एक बार देख चलो आगे तक कैंप के, यहाँ पर ऑफिस होना एक बार पहले आगे तक देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे कुछ दिख रहा है शायद, खुला पता चल जाएगा। ये तो फिर ऊपर चलते हैं और रावली की जो छोटी छोटी पहाड़ी है अपने पहाड़ पे पहुँच जाएंगे दोबारा, वहाँ का लोकेशन देखने को मिल जाएगा। चले जा रहे हैं बस, एक बजे निकले हुए हैं, अभी लंच भी नहीं किया हुआ है। अब कोई एक बार घर पहुंचने के बाद फिर दोबारा से हम लंच करेंगे। पानी की बोतल भी नहीं है भाई, गला सूख ही जा रहा है इतना पैदल चलने का। इतना पैदल कोई चल ले, पहले तो रिक्शे से चलो। कितने कितने किलोमीटर था? 21 किलोमीटर यानी बोले 21 किलोमीटर। उसके बाद 3 किलोमीटर हमको झील ढूंढने में लग गई। अब अरावली पहाड़ियों में जाने के लिए भी हमने गला रास्ता चुन लिया था, ये जाता कहाँ है रास्ता कोई पता नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा जंगल है इधर का। यहाँ पर लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापसी का रास्ता यहाँ से कट जाएगा हमारा। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर भाई, रहस्य है यहाँ पर। फिर नहीं तो पीछे चलते हैं, ऊपर रहेंगे अरावली की पहाड़ी पर जाएंगे। नहीं नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं गाइस, एक दो लोग दिख रहे हैं अंदर आगे, कुछ तो है शायद, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है कुछ। यही सभी कुछ पता करते हैं कि आगे कुछ अजीब तो नहीं है यहाँ पर, आगे कुछ है। तो गाइस जिस रास्ते में हम आए थे वो एग्जिट का गेट है, अभी आगे जा रहे हैं। ये पीछे वाला जो एग्जिट का गेट है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो आगे अरावली पहाड़ी जो है आगे है, हमेशा रास्ता गलत रहता है यहाँ पे। शायद वो बच्चे ने एक नाटक देखा होगा हातिम, हातिम जो साथ है सवालों के जवाब ढूंढता है, बिल्कुल एग्जिट उसी लोकेशन में हमको जाना होता है। हमारे भी वही किस्सा हो रहा है हमारे साथ। ये चुना है ये अंदर रास्ता ऊपर को जाने का नहीं है ना यहाँ से, रास्ता तो उधर साइड को है जैसे हमारे से। भाई गॉड आवाज मुझे साफ दिख, मैंने बहुत डर लगे भाई। हो कुतुब मीनार वहाँ छू भाई, वहाँ जान से यार। अभी देखा वजह कि आपने देखा हम एग्जिट से आए थे अंदर को, हमेशा गलत रास्ता तो हम ही चुनते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा भी। थोड़ा बहुत जो नॉलेज होगी आप उस साइड पर मत जाएंगे जिस साइड को हमने दिखाया था आपको, इस साइड को आएगा जहाँ पर पत्थर है अरावली में, एग्जिट लोकेशन आए हैं, गलत लोकेशन है लेकिन ठीक ठाक ही है। अभी हम दोबारा से उस रास्ते में जाके ऊपर को जाएंगे, शायद वहाँ पर किला बताते हैं कुछ हुमायूं का, और ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप, से एरिया समझा होना ये यहाँ से नहीं है, वहाँ से जाना पड़ेगा भाई, जंगल है बाटसन है भाई, मना करना चाहिए। तो इतना कष्ट तो भाई हम कर ही सकते हैं अपने लिए। मेन चीज़ यहाँ पे है सांप की डर भाई, सांप नहीं होना चाहिए और तो चलेगा। देख भाई एक बात बताओ, यहीं से निकलना है वो ऊपर चढ़ना, आ जा जंगल का एरिया गाइस, देख ही सकते हैं नीचे कितने पत्थर है, संभल के भाई अपना तो समझो, कैमरा बाद में संभालना कोई बात नहीं, करो तो संभल देंगे। यहाँ से निकल जाएंगे भाई, आजा टेंशन मत ले।
ये रहा रास्ता, रास्ता नहीं है मतलब ये इस रास्ते मकान है, हम रिस्क लेके आए हैं, हमारे पास कोई हो नहीं है, बस एक बार फिर रास्ते पे जाना पड़ेगा हमको, आराम से आना भाई, एडवेंचर है, एडवेंचर है, पत्थर का एरिया, पाँव फिसल गए नीचे मिल गया, आराम से आराम से। वो रहा कुतुब मीनार, इस टाइप से बहुत कुतुब मीनार का जो एरिया दिखता है बस बड़ा दिख रहा है, उधर से थोड़ा दिख रहा था इसका। अभी इतने ऊपर आने के बाद हमारी या तो इसी में खिद देना भाई, किसी को लग जाएगी भाई पत्थर में, ये बहुत दूर है भाई यहाँ बहुत दूर। तो देख ही सकते हैं आप पहले हम इतना ऊपर आ गए, दो कब्रें दिख रहे हैं, छोटी कब्र एक बड़ी कब्र है यहाँ पे, और जिस बरगद के पेड़ की बात कर रहे थे वो तो कहीं पे दिख नहीं रही है, तो दिख रही होगी आपको, एक छोटी कब्र है और एक बड़ी कब्र है यहाँ पे, ये हुमायूं की है शायद बताया गया कुछ, इसका मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर से कुछ रात को मैंने सुना है कि डरावनी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा डरावनी लग रहा है। देखो पेड़ पर कुछ अगरबत्ती वगैरह भी रखी हुई हैं, वो मतलब यहाँ पर मतलब कुछ डरावना है ही, जिस लोग उसको हॉन्टेड पैलेस मानते हैं, अगर रात के समय तो भाई बहुत ही खतरा है यहाँ पे, सोच समझ के मतलब कोई तो पहले आना नहीं, रात के टाइम का एरिया नहीं है ये, बट व्यू में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें देखने में, के यहाँ बैठा यहाँ बैठा यहाँ बैठा कांटे लग रहे हैं, फट जाएंगे डर लग रही है। बड़ी कब्र छोटी कब्र, और देख रहे हो आप पुराने ज़माने में जो लग जो भी है यहाँ पे, वो बेटा वहाँ पर डर लग रही है, काफ़ी ज़्यादा डर है।
देख ही सक रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर का नज़ारा। भाई बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। आगे कुछ है क्या? आगे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से चलते हैं। अरावली की पहाड़ी में मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रही है यहाँ पर रात के समय। मतलब मैंने सुना बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती हैं यहाँ से, इसलिए रोने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर नहीं आ रहा तो सबसे एक बार गूगल में मार के देख लीजिए, दिल्ली का संजय वन, मतलब क्वान्टिटी बताया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एक बार, लेकिन इस तरह से दिन में कुछ लगता नहीं है यहाँ पर कुछ हॉन्टेड हो, पर फिर भी ठीक ठाक ही है। तो बरगद पेड़ अच्छा है, बरगद का पेड़ यार यहाँ पर एक भाई बरगद का पेड़ जहाँ से बोला बहुत खतरनाक आवाज़ आती है वहाँ पर, पता है क्या परमानेंट आवाज़ आती है वहाँ पर। चलो देखते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कहाँ पर कुछ है। अभी हमको भी कुछ नॉलेज नहीं है, बट फिर भी दिखा रहे हैं टॉप पर। जैसे कि आप देखो ना मयूर, क्या नाम था उसका, मयूर पहाड़ी, वहाँ पर नहीं गए गाइस। तो इतनी अच्छी खास जगह थी नहीं मयूर पहाड़ी, मतलब पिकनिक विकनिक के लोग जाकर वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं फैमिली वाले, तो हमको तो घूमना था। अभी सोचा यहाँ से बोल सुना सुना जाता है कि यहाँ से मतलब मालचा महल जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, सबसे हॉन्टेड प्लेस में आता है मालचा महल, वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। मतलब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और है, आधा घंटा 10 किलोमीटर बोले तो 10 किलोमीटर हाँ 10 किलोमीटर गाइस, अभी हमने और पैदल चलना है यहाँ पर। तो क्या हालत होगी हमारी टांगों में, तो पहले से चटर पटर बोलने लग गए हैं, और बाकी अभी आगे पहुँच भी पाते नहीं भी पहुँच पाते क्योंकि हम आपको बताएंगे अभी। चलो देखते हैं, दोबारा मिलते हैं अगर अगर मालचा महल तक पहुँचते हैं। मालचा महल से पहले भी अगर कोई अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो हम ज़रूर उसको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं।